प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सारे बच्चे ठीक हैं। आज हम अपना क्लास फोर्थ की इंग्लिश में जो है हमने एक यूनिट स्टार्ट किया हुआ था नया, और उसके अंदर एक पोयम स्टार्ट की थी। ठीक है, उस पोयम के हमारे पास दो स्टैंजा कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम उसका थर्ड स्टैंजा भी पढ़ेंगे और न्यू वर्ड्स के साथ कुछ नई एक्टिविटीज़ भी करेंगे। तो इसके लिए आप लोग निकालें अपनी अपनी बुक्स का पेज नंबर 20। ठीक है, आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 20 ओपन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमने जो पोयम पढ़ी थी उसके दो स्टैंजा कंप्लीट हो चुके थे। आज हमने थर्ड स्टैंजा कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलें इसको रीड आउट करते हैं। सबसे पहले मैं ये पढ़ूंगी, उसके बाद आपको मीनिंग के साथ बताऊंगी। ठीक है बच्चों, तो फिंगर्स रख लें सारे बच्चे थर्ड स्टैंजा पे। थर्ड स्टैंजा पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को जो है स्टार्ट के दो स्टैंजास के बारे में भी बता देती हूँ। ठीक है, तो इस पोएम का नाम था हमारे पास पप्पी एंड आई, जैसा कि आप लोगों को मालूम है। ठीक है, तो पहले वाले स्टैंजा में क्या हुआ था, वो जो बच्चा था, यहाँ पे आई कौन है, एक बच्चा है। ठीक है, तो चाइल्ड जो है वो सबसे पहले एक मैन से मिलता है, एक आदमी से, जब वो खेल रहा होता है, घूम रहा होता है और वॉक कर रहा होता है, उस वक्त वो एक आदमी से मिलता है। फिर वो दोनों बात करते हैं और फिर वो आदमी से पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो आदमी उसे क्या कहता है कि विलेज के निचले हिस्से की तरफ कुछ ब्रेड लाने के लिए, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे। तो आदमी जो है वो इससे सवाल पूछता है। तो वो जो चाइल्ड है जो कि अपनी पोएम खुद ही सुना रहा है, वो कहता है नहीं, मैं आपके साथ नहीं जाना चाहता। ठीक है, उसके बाद दूसरे स्टैंजा में जो है चाइल्ड बताता है कि मैं एक हॉर्स से मिला जब मैं वॉक कर रहा था, फिर हम बात करने लगे, हॉर्स और मैं बात करने लगे। मैंने हॉर्स से पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो हॉर्स आज। हॉर्स ने मुझे जवाब दिया, जब वो जाने ही वाला था उसने जवाब दिया कि मैं विलेज के निचले हिस्से की तरफ जा रहा हूँ कुछ घास खाने के लिए, क्या तुम मेरे साथ चलना पसंद करोगे या तुम मेरे साथ चलना चाहोगे। तो उस चाइल्ड ने जो है मैंने जो है वो जवाब दिया कि नहीं, मैं नहीं चलना चाहूँगा। ठीक है, तो चाइल्ड जो है उसे ना मैन के साथ जाना पसंद आया ना हॉर्स के साथ जाना पसंद आया, तो वो उन दोनों में से किसी के साथ भी नहीं गया। अब थर्ड पैराग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है, आई मेट अ पपी एज आई वेंट वॉकिंग, वी गॉट टॉकिंग, पपी एंड आई, वेयर आर यू गोइंग दिस फाइन डे, आई सेड टू द पपी एज ही वेंट बाय, Up in the hills to roll and play. I will come with you, puppy, said I. ठीक है, I met a puppy as I went by. मैं एक पपी से मिला। पपी किसको कहते हैं बच्चों? डॉग के छोटे से बेबी को। मैं एक पपी से मिला उस वक्त जब मैं वॉक कर रहा था, फिर हम दोनों बात करने लगे, पपी और मैं। मैंने पपी से पूछा कि तुम इस फाइन डे में, इतने अच्छे से खूबसूरत साफ सुथरे दिन में कहाँ जा रहे हो। पपी ने मुझे जवाब दिया, उस वक्त जवाब दिया जब वो पपी जाने ही वाला था, तो वो पपी जो है वो रुका और उसने जवाब दिया कि मैं हिल्स पे ऊपर की तरफ चढ़ने जा रहा हूँ और वहाँ जाके मैं खेलूँगा और वहाँ पे जाके मैं गोल गोल घूमूँगा। तो फिर कहते हुए पपी जो है वो भाग गया। ये देखें, यहाँ पे पपी जो है वो भागता हुआ आगे जा रहा है। तो फिर उस बच्चे ने जो है क्या कहा, आई विल कम विद यू, मैं तुम्हारे साथ आना चाहूँगा। पपी सेट आई, मैंने कहा पपी से कि मैं जो हूँ वो तुम्हारे साथ आना चाहूँगा, और मैं पपी के पीछे पीछे जो है वो भाग कर चला गया। समझ आ गया आपको? तो सबसे ज़्यादा जो है बच्चे को खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था, इसे जो है इस बच्चे को, इस चाइल्ड को खेलना बहुत पसंद था, इसी वजह से ये बच्चा जो है ना मैन के साथ गया था ना हॉर्स के साथ गया था, और किसके साथ गया, वो पपी के साथ। ठीक है, क्योंकि पपी जो है वो हिल्स के ऊपर की तरफ जा रहा था खेलने के लिए और जो है वो गोल गोल घूमने के लिए। ठीक है, चलें अब इसको थर्ड वाले स्टैंजा को भी आप लोग मेरे साथ पढ़ें। आई मेट अ पपी As I went walking, we got talking, puppy and I. Where are you going this fine day? I said to the puppy as he
went by. Up in the hills, to roll and play. I will come with you, puppy, said I. ठीक है, यहाँ पे हमारा ये हमारी जो ये पोएम थी वो ख़त्म होती है. अब हम चलते हैं न्यू वर्ड्स की जानिब. तो प्यारे बच्चों, आप लोग अपनी कॉपीज़ निकालिए और कॉपी के अंदर आप लोगों ने नए अल्फाज लिखने हैं. ठीक है, सबसे पहले अपनी पोएम का नाम लिख लेते हैं, पपी एंड आई. ठीक है, हमारे पास यहाँ पे न्यू वर्ड कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं. ठीक है, न्यू वर्ड्स की हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे अपनी कॉपी पे. और पहला वर्ड है हमारे पास विलेज. विलेज कहते हैं हम गांव को. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो भी लोग थे, यहाँ पर ये मैन था और ये हॉर्स था, ये लोग कहाँ जा रहे थे? विलेज के निचले हिस्से की तरफ. ठीक है, गांव के निचले हिस्से की तरफ. आप लोगों को पता है ना विलेज किसे कहते हैं, गांव किसे कहते हैं. ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पे कच्ची ज़मीन होती है. तो यहाँ पर पहला न्यू वर्ड कंप्लीट होता है. दूसरा वर्ड देखते हैं, हिल्स. हिल्स, हिल्स कहते हैं हम ऊंची जगह को, ऊंची ज़मीन को, ऐसी जगह जहाँ पर जो है वो बहुत सारा, अगर बहुत सारी रेत जमा हो जाए या बहुत सारे हम पत्थर वगैरह जमा करके उस जगह को बहुत ही ऊंचा कर दें, तो वो जगह कैसी कहलाती है हमारे पास? हिल टाइप वो जगह कहलाती है. ठीक है, उसको हम कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हिल है, हिल पर चढ़ना पड़ेगा. ठीक है, पहाड़ भी हमारे पास बहुत ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं, तो हम उसको भी कहते हैं कि वो हिल जैसा पहाड़ है, बहुत ही ज़्यादा ऊँचा पहाड़ है. ठीक है, हिल बेसिकली कहते हैं ऊँचाई को. थर्ड है यहाँ पे हमारे पास ब्रेड. ब्रेड कहते हैं हम डबल रोटी को. ठीक है, तो यहाँ पर जो मैन था हमारे पास, वो गांव के नीचे वाले निचले हिस्से की तरफ जा रहा था कुछ ब्रेड लाने के लिए. ठीक है, फोर्थ वर्ड है हमारे पास हे. हे कहते हैं हम घास को. ठीक है, तो हमारे पास ये यहाँ पर जो हॉर्स था वो गांव के निचले हिस्से की तरफ जा रहा था कुछ हे करने के लिए. ठीक, हे खाने के लिए. ठीक है, यानी कि घास खाने के लिए. आगे हमारे पास है वर्ड रोल. रोल कहते हैं गोल गोल घूमने को. पप्पी जो है वो खेलते हुए गोल गोल घूमने वाला था, इसीलिए चाइल्ड जो है वो पप्पी के पीछे गया था. ठीक है, लास्ट वर्ड है हमारे पास प्ले. प्ले कहते हैं खेलने को. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे नए अल्फाज कंप्लीट होते हैं. इसे आप लोग अपनी कॉपी में जो है वो लिख रहे हैं. इसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 21 पे. पेज नंबर 21 पे हमारे पास रीडिंग स्पन आ गया है. ठीक है, अब हम जो है पढ़ेंगे बहुत ही मज़े के साथ. और पहला सवाल करने वाले हैं, तो सारे बच्चे जो हैं वो पेंसिल से अपनी कॉपी के पेज पर जो है अगले पेज पर पहला सवाल उतारेंगे. ठीक है, रीडिंग इस फन की हेडिंग डालिए. ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 उतारते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास हु इज द आई इन द पोएम. हु इज द आई इन द पोएम. ठीक है, हु इज आई इन द पोएम. इस पोएम के अंदर मैं कौन है? ठीक है, वो जो इस पोएम को पढ़ रहा है और कह रहा था कि मैं पपी से मिला, मैं वॉक कर रहा था, मैं चल रहा था, मैंने मैन से बात की और मैंने मैन को मना किया कि मैं नहीं आऊँगा, मैंने पपी से कहा कि मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, तो इनमें जो है ये सारी बातें मैं करने वाला, मैं कहने वाला कौन है? ठीक है, तो कौन है इसके अंदर? आई कौन है इसके अंदर? ये चाइल्ड, ये बच्चा जो है ये आई है और ये ही जो है वो सारी बातें बता रहा था. ठीक है, तो आई इज द चाइल्ड इन द पोएम. आई जो है वो
मैं जो हूँ वो एक बच्चा है इसके अंदर पोएम के अंदर, ठीक है। और चाइल्ड ही ये पूरी पोएम जो है वो बता रहा था अपनी ज़ुबानी में। चलें इसको, इसका आंसर लिखते हैं। आई, आई को आप लोग कॉमा में लिखेंगे। आई इज द चाइल्ड इन द पोएम। यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वेयर वाज द मैन गोइंग, वो आदमी जो है वो कहाँ जा रहा था, ठीक है। सारे बच्चों को इसका आंसर पता है कि आदमी कहाँ जा रहा था। चले इसका आंसर लिखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन उतारते हैं। वेयर वाज द मैन गोइंग, ठीक है। आदमी जो है वो कहाँ जा रहा था, विलेज के निचले हिस्से की तरफ कुछ ब्रेड लाने के लिए। चलिए इसका आंसर लिखते हैं। द मैन वाज गोइंग डाउन टू द विलेज। द मैन वॉज गोइंग डाउन टू द विलेज टू गेट सम हे, टू गेट सम ब्रेड। ठीक है, आदमी जो है वो कहाँ जा रहा था, विलेज के निचले हिस्से की तरफ, विलेज के डाउन वाले हिस्से की तरफ, डाउन टू द विलेज, क्या लाने के लिए जा रहा था, कुछ ब्रेड लाने के लिए, डबल रोटी लाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा आंसर नंबर 2 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जिसमें हम आंसर क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।